हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लॉजिक टाइकून, दिस इज़ ज़हीन अहमद और आज हम बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रिड सिस्टम जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव लेआउट या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी वेबसाइट जो आपके पास डिवाइस इंडिपेंडेंट हो, यानी आपको इससे कोई फ़र्क ना पड़े आपकी वेबसाइट को कि आप उसे मॉनिटर में, टैबलेट में, लैपटॉप पर या मोबाइल पर विजिट कर रहे हैं, वो आपके सामने अपनी स्क्रीन को, अपने कंटेंट को ऑटो एडजस्टेबल बना लेता है और फिर डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से, यानी उसकी जो विड्थ होती है उसके हिसाब से अपने कंटेंट को चेंज करता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं LCD पे कुछ है, लैपटॉप पर कुछ, टैबलेट पर कुछ चेंज व्यू है और मोबाइल पर बिल्कुल चेंज व्यू है। तो ये रिस्पॉन्सिव लेआउट कहलाती हैं, यानी ऐसी वेबसाइट्स जो अपनी स्क्रीन विड्थ के हिसाब से अपने कंटेंट को एडजस्ट करें। तो सबसे पहले ग्रिड सिस्टम को बनाने के लिए हमें बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज़ होती हैं, जिसे हम कॉल कहते हैं, कॉल क्लास है और MD और फिर ये सब उसके स्क्रीन साइजेस हैं। याद रखिएगा कि ग्रिड सिस्टम जस्ट लाइक अ टेबल है और टेबल कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, यानी यहाँ एक रो है तो उसमें 12 कॉलम से ज़्यादा आप एक रो में नहीं रख सकते, ये रूल है। यानी एक रो है तो उसमें 12 कॉलम, यानी टोटल विड्थ जो होगी वो 12 कॉलम पर मुश्तमिल होती है किसी भी वेब पेज की। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो 12 के 12 कॉलम रखें, चाहें आप 4 कॉलम रखें, 3 रखें, या आपकी मर्ज़ी आप एक डिव रखें, एक सेक्शन रखें। उसके बाद जो क्लासेस ग्रिड सिस्टम के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं वो 5 हैं। पहली क्लास है कॉल, जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है, जिसकी लास्ट विड्थ 576 पिक्सल से लेस देन होनी चाहिए। इसी तरह कॉल SM स्मॉल डिवाइसेस के लिए, जिसमें आपके मोबाइल स्क्रीन साइजेस जो होती हैं वो 576 पिक्सल से ग्रेटर देन होने चाहिए 768 पिक्सल तक, क्योंकि उसके बाद मीडियम डिवाइसेस यानी टैबलेट की स्क्रीन शुरू हो जाती है। फिर LG लार्ज स्क्रीन, यानी आपके लैपटॉप की स्क्रीन, आपके मॉनिटर की स्क्रीन नॉर्मल, और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस यानी आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन है जिसकी विड्थ 1200 पिक्सल से भी ज़्यादा है, यानी कोई LED या कोई प्रोजेक्टर या कुछ भी बहुत बड़ी लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस जो हो। तो अब इसका प्रैक्टिकली हम जाते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली हम इस बात को कैसे करते हैं। तो यहाँ एक ग्रिड सिस्टम के नाम से मैंने फ़ाइल बना रखी है, इस पर मैंने बूटस्ट्रैप कनेक्ट करवाई हुई है और मेटा टैग लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने कॉन्टेंट की तरफ। तो डिव, इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ सबसे पहले कंटेनर, ताकि लेफ़्ट और राइट से गैप बना रहे। H1 लगाता हूँ, यहाँ मैं लगता हूँ लार्ज डिवाइसेस से। हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लार्ज डिवाइसेस के कंटेंट को हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक, याद रखिएगा कॉलम से पहले आपने रो बनानी है, रो होगी तो कॉलम होंगे, तो मैं सबसे पहले रो क्लास दे देता हूँ। फिर आपने अंदर जितने भी डिव बनाने हो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैं दो डिव फ़िलहाल के लिए यहाँ बना लेता हूँ। इसे मैं क्लास देता हूँ कॉल LG, यानी लार्ज डिवाइसेस की बात मैं कर रहा हूँ। और कितने डिव मुझे रखने हैं, तो 6 रखा तो मतलब मैं 6x6 के सिर्फ दो ही कॉलम रख सकता हूँ। तो मैंने कहा ओके, इसे बैकग्राउंड कलर भी मैं पास कर देता हूँ BG डेंजर, इसे 1, और यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ 2 करके, और इसका कलर हम इन्फो कर देते हैं ताकि कलर चेंज हो बैकग्राउंड का, तो ये हमें थोड़ा सा ठीक लगे। इसे चलाते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने जब ये आपकी फ़ाइल रन हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह से दो कॉलम दिख रहे होंगे। अब लार्ज डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी डिवाइसेस जो कि आपके पास 970 है, या आप अगर इसको देखना चाहें तो 992 पिक्सल से ग्रेटर देन होनी चाहिए 1200 तक, यानी ये लिमिट है इसकी। तो इसकी लिमिट चेक करने के लिए आप डेवलपर मोड ऑन कर सकते हैं क्रोम में जाने का, यहाँ आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिव डेवलपर टूल पर जाएँ और डेवलपर टूल पर रिस्पॉन्सिव मोड को आप एक्टिवेट कीजिए। ये आ गया, स्क्रीन साइज़ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मैं इसे जैसे ही बढ़ाता जाता हूँ देखें 992 पिक्सल तक ये आपके पास इसी व्यू पोर्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही 992 पिक्सल की लेंथ ख़त्म होती है, यानी वो स्मॉल डिवाइसेस पर जाता है, तो वो अपने आप को खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव बना लेगा। तो ये बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम का कमाल है जिसकी मदद से ये हो रहा है। हम आगे अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं और इससे और क्लासेस कुछ बनाते हैं। तो इसके बाद मैं एक रो और जनरेट करवाता हूँ जिसमें मैं स्मॉल डिवाइसेस को डील करूँगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर को कॉपी करता हूँ और यहाँ रखता हूँ, नई रो है और ये इस बार स्मॉल डिवाइसेस होंगी, या सॉरी मीडियम डिवाइसेस। तो पहले हम मीडियम देख लेते हैं, फिर देन
सीक्वेंस है हम स्मॉल की तरफ भी आ जाएंगे। तो मीडियम के बाद रो तो आपने सेम ही रखनी है। डिव में एल जी की जगह अब हो जाएगा एम डी, जहाँ जहाँ आपने एल जी लिखा था वहाँ आप एम डी रख दें फॉर मीडियम डिवाइसेस के लिए। यहाँ पर मैं दो नहीं चार कॉलम रखना चाहता हूँ, तो मैं चार कॉलम बना लेता हूँ यानी चार डिव। तो ये हो जाएगा 3-4, और यहाँ पर अगर मुझे चार कॉलम रखने हैं तो ये होगा 3-3-3-3, यानी आप समझ सकते हैं कि 3 × 4 = 12। तो यहाँ से हम इसके जो कलर है उसे चेंज कर देते हैं, इसे मैं दे देता हूँ प्राइमरी और इसे मैं देता हूँ वार्निंग। ठीक है जी, चलाते हैं इसे। तो अब आपको यहाँ पर चार कॉलम दिखेंगे। अब ये क्योंकि मीडियम डिवाइसेस है, मीडियम डिवाइसेस का अपना स्क्रीन साइज़ होता है और इसकी लिमिट मीडियम डिवाइसेस की 768 पिक्सल से ग्रेटर देन होना चाहिए, ये लिमिट है इसकी। तो ये होगा बिल्कुल, मैं आपको चेक करवा देता हूँ डेवलपर मोड में। देखें स्क्रीन साइज है, मैं सबसे पहले लार्ज पे जाता हूँ यानी ग्रेटर डिवाइसेस पे। तो अभी इस टैग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 992 से छोटा होने के बाद सबसे पहले लार्ज डिवाइस पे इफेक्ट पड़ेगा। 992 से जैसे ही छोटा हुआ तो ये, और फिर जैसे ही आप समझ लें कि यहाँ पर ये 768 पिक्सल से नीचे जाता है, 768 पिक्सल तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ही उससे नीचे आया तो ये भी रिस्पॉन्सिव हो गया मीडियम डिवाइसेस। ये आप चेक भी कर सकते हैं, अच्छी कमाल की बात ये है आपके स्क्रीन साइज में। यहाँ क्रोम ने आपको लाइव व्यू रिस्पॉन्सिव चेक करने का दे रखा है डेवलपर टूल में। तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू और मजीद करते हैं इसे। फिर इसी तरह मैं स्मॉल डिवाइसेस की तरफ आता हूँ, तो स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी स्ट्रक्चर ये हो जाएगा स्मॉल डिवाइसेस। और अब की बार जाहिर है कि MD की जगह SM, और अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो अब की बार मैं 2x2 के कॉलम रखता हूँ यानी 6 कॉलम मुझे रखने हैं, तो कोई मसला नहीं है, मैं 6 कॉलम रख लेता हूँ बहुत आसानी से। मुझे 6 डिव बनाने और मैंने उन्हें क्लास पास कर दी। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको 6 कॉलम नज़र आएंगे, और ये 6 कॉलम की लिमिट अपनी ही स्क्रीन डिवाइसेस पे चलेगी। आप देखें भले, तो यहाँ पर मैं जैसे ही लास्ट लिमिट पर जाता हूँ तो ये देखें इन दोनों की रिस्पॉन्सिव होने के बाद यानी 768 पिक्सल के बाद भी अपने स्टैक में है, जब तक इसकी रेंज मुकम्मल ना हो, और इसकी रेंज हमारे पास ये आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे पास 574 के करीब, ये 572 के बाद ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और उससे पहले ये कुछ ऐसा है। तो स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी आपके पास, देखें क्लासेस को आप कितनी आसानी से, और ये डिव है इसका मतलब ये कंटेंट है, तो आप इसको बहुत ही ग्रिड सिस्टम की क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, और आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव इसे बना रहे हैं। इसी तरह लार्ज जो हमारे पास बचता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, तो उसका भी मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस को डील करने का तरीका। यानी आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा ही रो बनाऊं जिसमें 12 के 12 कॉलम लेआउट 1200 से लेकर लास्ट डिवाइस तक वो इतने ही रहें, वो बदले ना, तो मुझे बस यहाँ से एसएम वगैरह सब हटा दें, इसे वन कर दें, और इसको मैं फॉलो करके यहाँ पर 12 कॉलम बना लेता हूँ। बना लिए 12, अब यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं आपके सामने 12 कॉलम आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं और हमने कहा है कि लार्ज स्क्रीन साइज तक ये छोटी ही रहे, तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट लिमिट तक भी छोटा ही है। तो ये हमारे सामने बूटस्ट्रैप को डील करने का तरीका। आप देख सकते हैं स्क्रीन साइजेस जो हमने यहाँ पढ़े थे ये बिल्कुल एक्यूरेट उसी पर ही काम कर रहा है। ये ओरिजिनल इसकी विड्थ हाइट को यहाँ आप देखें, अगर मैं दोबारा एक बार रिकॉल करवाऊँ तो ग्रिड सिस्टम हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने का काम करता है। बूटस्ट्रैप में हमने कॉल की मुख्तलिफ क्लासेस, लार्ज के लिए LG, मीडियम के लिए MD, SM स्मॉल डिवाइसेस, और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए सिर्फ कॉल क्लास यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हमारा कंटेंट लार्ज डिवाइस के हिसाब से 992 पिक्सल की विड्थ से नीचे जाएगा तो ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव खुद ब खुद बना लेगा जैसे इसने बना लिया। उसके बाद टारगेट होती है मीडियम डिवाइस, जैसे ही हमारे पास 768 पिक्सल से हम नीचे जाएंगे ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इसी तरह स्मॉल डिवाइसेस, जैसे ही हम 500 से नीचे जाते हैं तो फिर ये स्मॉल डिवाइसेस काम करती हैं, और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस यानी आपके पास लार्ज लिमिट तक भी आपके
लेआउट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव 12 के 12 ही रहेंगे। मैं बता चुका हूँ कि ये आपके हाथ में है कि आप एक रो में कितने कॉलम शो करवाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें एक वक्त में सिर्फ एक ही, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम शो हो एक वक्त में, तो वो भी हो जाएगा। मैं यहाँ एक और नई कैटेगरी डेवलप कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ ऑटो, और यहाँ हम एक और डिव बनाते हैं, उसे हम जाहिर है कि क्लास देंगे रो, और इस रो में हमें डिव रखना है। मिसाल के तौर पर मैंने इस डिव को पहली क्लास हमने दे दी कॉल LG12, और बैकग्राउंड कलर भी हमने इसे पास कर दिया इन्फो, और इसे हमने लिख दिया कॉल 1। तो आपके सामने ये पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक ही कॉलम दिखेगा, सही है जी। और क्योंकि ये हमने रखा, अब हम चाहते हैं कि कुछ मज़ीद कॉलम भी बढ़ाना, तो ये क्योंकि 12 से ज़्यादा है तो ये आपको नेक्स्ट लाइन पे ही दिखेगा, सेम लाइन पे नहीं दिखेगा। तो ये हो गया, मैं इनके कलर भी चेंज कर देता हूँ, यानी मैं इसे कर देता हूँ BG डेंजर, ये हो जाएगा सक्सेस या प्राइमरी, और इसे हम सक्सेस कर देते हैं या वार्निंग कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये स्मॉल, अभी 1x1 है, जैसे ही ये स्मॉल डिवाइस पे जाए तो ये एक ही रो के अंदर चार कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो हो सकता है हम क्या करेंगे कि यहीं इसी क्लास के साथ मल्टीपल क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कॉल MD, ये क्या हो, अगर हमें इसको 4x4 करना है तो हम 3 कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये कॉल MD क्लास, आपने एक स्पेस देने के बाद आप, मैं सब पे ऐड करवा देता हूँ यहाँ, तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये मीडियम डिवाइस पे जाता है, मैं इसे रिस्पॉन्सिव मोड में ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही रिस्पॉन्सिव पे गया इसने अपने आप को चार कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1x1 है, मतलब 1200 पिक्सल, मतलब 12 कॉलम के बराबर का एक कॉलम है, लेकिन मैंने कहा कि जब ये मीडियम डिवाइस पे जाए तो यहाँ पर कुछ 968 पिक्सल के बाद ये एक ही रो में चार कॉलम बन जाए, तो ये आपके सामने हो गया। तो ये है वो असल काम जो कि बूटस्ट्रैप में आप 3 क्लासेस भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जब ये MD के बाद SM पे जाए तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाए, ये 2 में कन्वर्ट हो जाए, मल्टीपल क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं ग्रिड सिस्टम के अंदर। तो आपने देखा कि ये हमने प्रैक्टिकली ग्रिड सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमने जाना, और किस तरह हम अपनी डिव्स को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, और किस तरह से साइज देते हैं, मल्टीपल क्लासेस किस तरह से पास करते हैं, ये सब आज हमने देखा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल आपके जहन में इस वीडियो के मुतालिक हो तो आप कमेंट में उसे ज़रूर लिखिए, हमसे पूछिए, हम आपको उसका जवाब बिल्कुल बताएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।